बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम जागो लाहौर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सिद्रा मुनीर। उम्मीद करती हूं आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, और मेरी हमेशा से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, और दूसरों में खुशियाँ बांटना भी ना भूलिएगा। आज मुझे आपसे बात करनी है कि आजमाइशें हर इंसान की जिंदगी में आती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके ज़िंदगी में कभी कोई आजमाइश ना आई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि आजमाइशों से बहुत अच्छे से नबर्दाजमा होते हैं, और उसके बाद एक अच्छे अंदाज में उन आजमाइशों से परेशान होने की बजाय उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ लेते हैं। और अक्सर यूं भी होता है कि आजमाइशों में एक इंसान दूसरे इंसान को खुद ही डालता है, और फिर जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आजमाइशों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, क्योंकि आजमाइशें आती हैं फिर ही हमें एहसास होता है कि खुशी क्या है। आजमाइशें आती हैं फिर ही हमें एहसास होता है कि सुकून किस चिड़िया का नाम है। तो फिर इसलिए आजमाइशों से बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ख़ज़ा का मौसम हमेशा नहीं रहता। ख़ज़ा का मौसम जब गुजर जाता है तो फिर बहार आती है, जब मुश्किल आती है उसके बाद आसानियां आती हैं। तो इसलिए जब भी आजमाइशें आए तो उसे सच्चे दिल के साथ, अच्छे दिल के साथ कबूल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कुछ आपके लिए खूबसूरत यादें बन जाएंगे जो कि हमेशा आपके दिल में ज़िंदा रहेंगे और खूबसूरत यादों की तरह आपके लम्हे संवार जाएंगे। लेकिन जो लोग बहुत से ऐसे भी आएंगे जो कि अच्छी यादें नहीं बल्कि बहुत सारे आपको सबक दे जाएंगे। रिसर्चेस की जानिब बढ़ते हैं, और रिसर्च जो मुझे आपको बतानी है वो है जी, शदीद गर्मी से बचने के लिए कुछ ऐसी इमारतों के ढांचे बनाए गए हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए गए हैं जो कि समंदर के किनारे पे बनेंगे, और उसके बाद जो है वो गर्मी रफू चक्कर हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन ये जो जितनी भी इमारतें हैं ये उन मुल्कों में बनाई जाएंगी जहाँ पर साहिल है, जहाँ पर समंदर है, उनके किनारों पर। ये आप ढांचे टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, ठंडा ठार पानी पीते हैं, एयर कंडीशन लगवाते हैं और ठंडे मकामात का रुख करते हैं। कर्ज ये कि अपनी अपनी बसात के मुताबिक जिससे जो बन पड़ता है वो करते हैं। कुछ लोगों ने अमली तौर पर तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए घरों के ऐसे डिज़ाइन तैयार कर लिए हैं जो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए करीबन हर एक की ख्वाहिश हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि समंदर किनारे एक घर, घर की छत पर एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल और समंदर की गहराइयों में एक घर, इन्हें सोचकर ही आदमी गर्मी जो है वो उसका एहसास जाता हुआ महसूस करता है। ऐसी जगहों का तस्वीर पेश किया गया है, एक तस्वुराती घर है जिसका ढांचा बनाया गया है, मॉडल्स बनाए गए हैं, तस्वीर बनाई गई है, जिसका नाम समर हाउस रखा गया है। इस घर की प्याला नुमा छत बतौर स्विमिंग पूल इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें बैठकर आप तपते हुए सूरज में तैराकी करेंगे और साथ में समंदर का नज़ारा भी करेंगे। स्विमिंग पूल की छत वाले घर में रिहाइश का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद है। ये तमाम डिज़ाइन ऐसे हैं जिन्हें देख कर ही ठंडक का एहसास होने लगता है। जब ये हकीकत का रूप ढाल लेंगे तो किसी गर्मी, कैसी गर्मी और कहाँ की गर्मी। इन डिज़ाइन की तैयारी में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद ली गई है। इन डिज़ाइन में एक बात बहुत आम है और वो ये है कि ये तमाम की तमाम इमारतें जो हैं वो समंदर के किनारे बनाई गई हैं। और ये जो अभी आपने घरों के स्केच देखे हैं, मॉडल्स देखे हैं, ये तमाम घर ऐसे हैं जो कि उन इलाकों में बल्कि पूरी दुनिया के उन मुमालिक में बनाए जाएंगे जहां पर समंदर होंगे, जहां पर साहिल होंगे। तो फिर वहां के रहने वालों को तो बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और फिर लोग कभी मरी जाते हैं, कभी एबटाबाद जाते हैं, लेकिन आखिरकार हमें रोज़गार में अपने वापस जो है वो घर आना ही पड़ता है। अगली रिसर्च मुझे आपको बतानी है, एक तस्वीर दिखानी है जो यूं लगता है कि एक मछली की है, लेकिन वो है क्या वो मैं आपको बताती हूँ। इंतहाई महारत से बनाई गई मछली जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप भी तस्वीर में नजर आने वाली मछली को असली या कोई हकीकत से करीब पेंटिंग समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। तस्वीर में दिखने वाली ये मछली ना ही कोई पेंटिंग है और ना किसी भी पेंसिल से बनाई गई कोई तस्वीर है, बल्कि ये रेत से बनाया गया हकीकत से करीब तरीन 3D खाका है। आप देख सकते हैं कि जिस पे डिज़ाइनर ने इसे बनाया है, पहले बनाया है, उसके बाद वो आपको मिटा के दिखा रहा है कि ये कोई पेंटिंग नहीं है बल्कि ये रेत से बनाया गया एक मुजस्मा है। चीनी फनकार के बनाए हुए इस तरह के 3D खाकों ने देखने वालों को हैरत ज़दा कर दिया है। इंतहाई महारत से बनाए गए इन खाकों को देखने पर असल का गुमान होता है। फन और महारत के इन खूबसूरत
शाहकारों की वीडियो देखते ही देखते बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी भी ये वीडियोस बनाई गई हैं ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस चीनी फनकार को ना सिर्फ पजीराई मिली है बल्कि इसकी शोहरत में रातों रात बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि जितने भी ये फनपारे पहले वाह क्या बात है ये फर्श पे बनाया गया है, लेकिन यूँ लग रहा है कि बड़ा ही खूबसूरत सा कोई, ये देखिए जी अब ये वाइपर की मदद से इन फनपारों को मिटाएगा, उसके बाद जो है वो दोबारा से बनाएगा। खैर अल्लाह ताला ने बहुत सारे इंसान को तख्लीकी सलाहियतों से नवाजा है और उसका ये मुंह बोलता सबूत है जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस फनकार की सबसे मजे की बात ये थी कि ये जितने भी अपने वो फनपारे बना रहा था, जितने भी ये मॉडल्स बना रहा था जिसमें मछली भी थी और इसके साथ साथ जो है वो एक बिच्छू नजर आ रहा था, उनमें कोई किसी तरह का कोई टूल इस्तेमाल नहीं कर रहा था, कोई किसी तरह का औजार इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि अपने हाथों की मदद से रेत के साथ वो उन फनपारों को बनाता था, उसके बाद वाइपर के साथ उनको मिटाता था ताकि देखने वालों को यकीन आ जाए कि ये पेंसिल से बने हुए कोई स्केच नहीं है ना ही कोई पेंटिंग्स है। अगली रिसर्च मुझे आपको बतानी है वो ये है कि आपने बहुत सारे फनकार देखे होंगे, लेकिन आज आपको ऐसे बुजुर्ग फनकार से हम मिलवाने वाले हैं जिन्होंने वैक्स पेंटिंग से बहुत से शाहकार बनाए हैं। पिशावर के 70 साल तारिक अहमद मोम की पतली तारों से ऐसे नमूने बनाते हैं कि हर कोई देखते ही देखते दंग रह जाता है। सिल्क के कपड़े पर अलसी के तेल, चौक, मट्टी, वैक्स और रंगों के मिलाप से मोम के मोर, हाथी और मुख्तलिफ बेल बूटे बनाकर वैक्स पेंटिंग के फन को जिंदा रखे हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फनपारे बनाए गए हैं जिसमें तेल का इस्तेमाल किया गया है, चौक है, मट्टी है, वैक्स है, रंग है, और इन तमाम चीज़ों को खूबसूरत अंदाज में मिलाया गया और बहुत सारे फनपारे तख्लीक दिए गए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, तब्दीली की गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट आई तो हमने सोचा कि शायद बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। हम एक उस्ताद मंगू टांगे वाला होता था, उसकी एक स्टोरी पढ़ा करते थे, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा न्यू रेजोल्यूशन उस स्टोरी का नाम था कि शायद रातों रात कोई ऐसी तब्दीली आएगी कि सब कुछ तब्दील हो जाएगा, लेकिन जैसे उसने देखा कि सुबह हुई कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा हो रहा था, तो तब्दीली की गवर्नमेंट है। आवाम ने भी यही सोचा था कि शायद कोई रातों रात ऐसी तब्दीली आएगी कि एकदम से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं कि तब्दीली आई तो है लेकिन दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम परेशान होते जा रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जी शौकत बसरा साहब, जो कि मुस्कुरा भी रहे थे मेरी बातें सुन के, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ कमल लियाकत साहिबा मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, MP हैं, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कमल साहिबा आपसे आगाज कर लेते हैं। असद उमर साहब कहते हैं कि जितनी 2013 में 2008 में महंगाई थी आज उतनी नहीं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितनी खामोशी का मैंने वक्त दिया है ना, ये आवाम के दुख की इलामत है। और असद उमर साहब तो बहुत कुछ कहते थे। असद उमर साहब तो ये भी कहते थे कि जनाब मैं हम अगर गवर्नमेंट में होते तो पेट्रोल की कीमत बहुत कम होती और वो 40-50 रुपए के आ जाती तो वो भी ना आया। और मुझे असद उमर साहब के साथ इमरान नियाजी साहब का भी बयान बिल्कुल रेलिवेंट लगता है कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी मुल्क में अगर जो डॉलर का रेट बढ़ रहा हो और गुर्बत नीचे की तरफ मजीद आ रही हो और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हो तो समझ लें कि वहाँ करप्ट हुक्मरान हैं। तो अच्छा किया कि उन्होंने पहले से अंदिया दे दिया ताकि आवाम थोड़ा सा दिल संभाल के मामलात को लेके चलें। महंगाई देखें, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ बहुत उनके अतमाद को ठेस पहुँचाई गई है। जो ख्वाब दिखाए गए थे, जैसा कि आपने वो मंगू टांगे वाले की बात की तो मुझे भी मैं बिल्कुल वहाँ चली गई कि उसे भी लगता था कि सुबह होगी तो सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही तो वो बेचारे मासूम आवाम
जिन्हें ये कहा गया था कि तब्दीली आएगी और तुम लोग बस जी वो 1 करोड़ नौकरियां भी आ जाएंगी, 50 लाख घर भी आ जाएंगे, और वो नौकरियों की बजाय वो 1 करोड़ नौकरियां जो आनी थी वो आज कभी बकरियां आ रही हैं, कभी जनाब चूजे आ रहे हैं, कभी वो बछड़े आ रहे हैं। बसरा साहब, उस्ताद मंगू टांगे वाले की भी बात होगी, वो जो तब्दीली आवाम देखना चाहती थी, जो आपके फॉलोअर्स देखना चाहते थे, जो हम देखना चाहते थे, कब आएगी वो तब्दीली? सिदरा, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने लाहौर टीवी ने आपने हमें अपने मॉर्निंग शो में बुलाया। मैं तो कर रहा था कि ये जो हीटेड डिबेट है वो 6 से लेकर रात 12 बजे तक चलती है। आपने लगता है वही लाइटर नोट भी बात कर रहा हूँ। हाँ। तो आज लगता है काम वो दिन दिहाड़े शुरू हो गया ताकि रात तक यही चलेगा, लेकिन अच्छी बात है, वी आर अकाउंटेबल। और डेफिनेटली खास तौर पे आपको मॉर्निंग शो जाहिर है लेडीज ज्यादा देखती हैं और वैसे भी देखा जाता है, तो खास महंगाई के हवाले से बहुत। बसरा साहब, लेडीज की बात नहीं, 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 लेडीज के पूरे पूरे जो है ना वो किचन डिस्टर्ब हो गए। मैं इसी बात पे महंगाई का जो भी मेरी बहन ने चीज को पॉइंट आउट किया, मैं उस हवाले से मैंने बात कर रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद एक गली मोहल्ले का कारकुन हूँ, फैक्ट्स को मैं भी नहीं झुटलाता। डेफिनेटली महंगाई बढ़ी है और लोगों की परेशानी में इजाफा हुआ है, पेट्रोल बढ़ा, उसकी कीमत बढ़ी है, उसकी गैस की बढ़ी है, ये हकायक हैं जो बिल्कुल हमारे सामने हैं। और जो असद उमर साहब ने बयान दिया, मैं उससे भी एग्री नहीं करता। 2008-2013 की बजाय अब इस वक्त महंगाई ज़्यादा है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वजूहात क्या है, उसके लिए मेरे ख्याल में आप मुझे थोड़ा सा 1 मिनट और दे देंगी। अभी मेरी बहन तमहीद बांध रही थी और खान साहब की बातों को रिपीट कर रही थी। वो कहते हैं, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बदकिस्मती से 70 साल यहाँ पर हुक्मरानी रही नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, या आमरियत रही। खान साहब तो या तहरीक इंसाफ को तो 7 महीने ये हुए हैं इक्तदार में आए हुए। 30 करोड़ बिलियन का कर्जा किसने लिया इस मुल्क को, किसने, और वो कहां गए पैसे? यानी कि अंदाजा ये करें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जब मुल्क मिला, उसको हमें हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज था। हम ये कर सकते हैं कि पहले उस मुल्क जिसको बेड़ा गर्क कर दिया गया उसको ट्रैक पे चढ़ाएं, जिसमें सिर्फ लूटमार थी, करप्शन थी, चोर बाजारी थी। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल, मेरी बहन अब गुस्सा ना कीजिएगा, आज मेजॉरिटी 99% लोग कौन फेस कर रहे हैं, या नून लीग या पीपल्स पार्टी, करप्शन के केसेस में। मियां साहब को अदालत ने कन्विक्ट किया है कि आपने करप्शन की। अब मैं बात को लाइटर नोट में रखना चाहता हूं। अब तहरीक इंसाफ का क्या फर्ज बनता है? तहरीक इंसाफ का फर्ज बनता है कि हम नए पाकिस्तान का नारा लगाते हैं कि उसमें अपना भी करप्शन करे तो वो अलीम खान के ऊपर अगर चार जाए तो वो जाके भुगते, जाके बताए कि भाई आपके ऊपर ये इल्जाम आता है, क्लियर करो कहां से आपने माल कमाया था और कहां से आया आपके ऊपर। अब हम बिल्कुल, हमें ये क्यों करना पड़ रहा है और ये फेस करना पड़ेगा? मैं बाकी हर किसी की अपनी एक बयान वो दे सकते हैं, मेरा ख्याल ये कहता है कि ये जो हालात हैं इनको ठीक होने में वक्त लगेगा, इन हालात को ठीक होने में इकोनॉमी एक फिक्र है, सिर्फ मैं सिर्फ एक फिक्र कह दूं, इकोनॉमी बहुत बड़ा चैलेंज है और ये नेशनल इशू है। पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में खास तौर पे, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आज इस महंगाई की मेन रीजन मेरी बहन की पार्टी, जो 30 साल तो हुक्मरान रहे, 3 दफा वजीर आजम भी रहे, 3 दफा वजीर आला रहे। मेरा सिर्फ इनसे एक सवाल है, क्या ये रातों रात महंगाई हो गई? क्या रातों रात मसाइल बढ़ गए? या मुझे कोई फार्मूला मेरी बहन या इनकी लीडरशिप बता दे कि कौन सा ऐसा लाएं, जादू का छड़ी लेकर आए, कोई अलादीन का चिराग रगड़ें, जिससे ये मामला बेहतर हो जाए, बताइए। वक्त लगेगा। तो ये कि बात हो रही थी महंगाई की और हसबे रिवायत मेरे भाई चले गए करप्शन के ऊपर। जो लूजर्स होते हैं ना उनके पास एक्सक्यूजेस होती हैं, जो विनर होते हैं ना उनके पास रिजल्ट होता है। 100 दिन, देखिए मेरी बात, फार्मूले पे मैं आऊंगी। 100 दिन इन्होंने कहा कि जी 100 दिन में हम बस पूरा तूफान प्याले में इन्होंने किया हुआ था, वो 100 दिन भी अवाम ने सब्र शुक्र कर लिया। फिर वो इमरान नियाजी साहब फरमाने लगे कि अवाम को कि जनाब आपने सिर्फ 6 माह सब्र करना है, वो 6 माह भी गुजर गए, अब आवाम सड़कों पे आ गई है। आज गुरबत का मयार इतना नीचे चला गया, मुझे बताएंगे बगैर होमवर्क किए ना अहल, मैं तो कहूँगी टोटली ना अहल हुकूमत है।
कि जिन लोगों ने काम ही नहीं किया, जिन्हें पता ही नहीं था आने से पहले, उन्हें सिर्फ मिनिस्ट्रियां लेने के, झंडे वाली गाड़ियां पहनने के और शेरवानियां पहनने के शौक में क्या ये लोग आए थे, इन्होंने क्यों होमवर्क नहीं किया, इन्हें क्या पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और 6 से 7 माह अगर पीछे अगर आप कहते हैं कि जी कर्जे लिए और वो आप उतार रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी IMF के पास भाग के जाके प्राइम मिनिस्टर झोली फुला के मिनते करके कर्जे लेने की, और फिर आके कहा जाता था कि जी मुबारक हो आपको पैकेज मिल गया। हद होती है, मैं कहती हूँ कि गरीब का सोचें, अवाम का सोचें, अवाम आज भूख से मर रही है। आप आज देखें दालों के रेट कहाँ चले गए, आज गोश्त तो बहुत दूर की बात है ना गरीब बंदे के लिए। आज जो सफेद पोश इंसान है वो सिर्फ वो खुदकुशी के धारे पे, मैं आज से तीन दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ी, मैं वो शेयर कर दी, मैं शेयर कर दी, चलो मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगी। 3 दिन पहले यकीन करें एक माँ होने के नाते मेरा दिल दहल गया कि मैंने एक न्यूज पढ़ी कि जी एक बाप ने अपनी 3 बच्चियों के साथ खुदकुशी कर ली, इसलिए कि वो खर्चे पूरे नहीं कर रहा था, वो महंगाई का। 7 माह में आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही तो छोड़ देना भाई। माजरत के साथ ऐसे बहुत से केसेस तो हमने नूबली की हुकूमत भी देखे। लेकिन इसे आप मेरी बात सुने, मैं रात को आप ही के टीवी चैनल पे एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि पिछले 5 साल में महंगाई जो है इतने ऊपर नहीं गई जितने ये 6-7-8 माह में गई है। मान लें इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। वो जो असद उमर को आप पहले कहते थे कि जी सारे आइंस्टाइन असद उमर ही है, वो कहाँ गई आइंस्टाइन नहीं उसकी भाई। आज आवाम जो है वो देख रही है, आज तो किसी ने खुदकुशी भी नहीं की, जो कहा जाता था कि जी मैं IMF के पास जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा, आज आवाम मुंतजिर है। कहा पिछले दिनों मैं सुन रही थी कि जी मुबारक को तेल निकलने लगा है, आज आवाम का तेल निकाला जा रहा है। वो खुदा के लिए माना कि आप इलेक्टेड लोग नहीं हैं, माना कि आपको आवाम के दर्द से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि आपको तश्तरी में सब कुछ सजा हुआ मिले। लेकिन हम इस कह के कि आपने वजह भी बतानी और साथ साथ ये भी बताना है कि आपने कहा कि टाइम लगेगा, मुश्किल वक्त है, गुजारना पड़ेगा, तो फिर ऐसे ख्वाब हमें और देखने वालों को क्यों दिखाए गए जिनकी ताबीर बहुत मुश्किल थी या बहुत दूर। पंजाबी जी कहते ने कि चोर नाले चतर, और इतना इतना झूठ बोलो कि सच नजर आने लगे। मैं बहन को तो नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, ये तो जाहिर है हुक्मरान नहीं थी, ये तो जो लोग डिसीजन मेकिंग थे, जिन लोगों ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, उन्होंने कहा कि इनको अंदाजा नहीं था। वाकई ये बात दुरुस्त कह रही है, हमें नहीं अंदाजा था कि किस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा गया है, हमें नहीं अंदाजा था कि ये जो जितने भी कर्जे लिए गए हैं उनका डेली हमें सूद 600 करोड़ रुपए, आप अंदाजा ये करें, करोड़ एक होता गिनने लग जाए शाम तक गिन नहीं सकता आदमी। डेली जो कर्ज लिया गया है यहाँ पर 70 सालों के अंदर, उसका डेली 600 करोड़ रुपए हम सूद अदा कर रहे हैं। हाँ, अब आप कह रही हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि नीयत साफ है। पाकिस्तान की तारीख में आप इमरान खान साहब पे जो मर्जी क्रिटिसिज्म कर लें, नहीं सिदरा कर सकते तो ये नहीं कह सकते कि वहां पर कोई बददियंती है। लेकिन उनकी टीम, मैं उस पे आता हूं, उनकी टीम भी खास शौकत बसरा होगा सिदरा, खास कोई होगा जो भी करप्शन करेगा, लूट मार करेगा, मियां साहब की तरह आंखें बंद नहीं की जाएंगी कि सानू भी दही जाओ तो आप भी खाई जाओ। बस साहब, आपकी इन बातों पे ना एक मासूमाना सा सवाल देखने वालों के जहन में भी आया, ताजा ताजा स्टोरी है कि चंद रोज पहले जितने भी पंजाब असेंबली के अराकीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई, 24 घंटों में बिल पास हो गया। एक जानिब आवाम को ये सबक दिया जा रहा है कि सब्र करना है, खुशहाली आएगी, ठीक है, महंगाई बर्दाश्त करना है, और दूसरी जानिब रातों रात वो बिल जो 80,000 जिसकी तनख्वाह थी वो 2 लाख पे पहुंच जाती है, उनके लिए खजाने भरे हुए हमारे लिए खाली कर दिया। आपने बहुत अच्छा सवाल, उनके लिए खजाने भरे हुए हमारे लिए खाली, दूसरों पे बहन का नाम क्यों प्रोग्राम में बैठी है ना। आप बदकिस्मती देखिए कि इन तमाम पूरे हाउस ने, वैसे तो हम करप्ट भी हैं, बद्यानत भी हैं, हमारे गले भी फाड़ते हैं, नून लीग, तहरीक इंसाफ, कोई जमात पीछे नहीं रही जिसने ये बिल पास नहीं किया। फिर आगे चलिए, जरा आगे, अब इससे आगे चलने वाली बात है, आप अंदाजा ये कीजिए कि अपनी ही हुकूमत के खिलाफ किसने नोटिस लिया, सिर्फ इमरान खान। नहीं तौफीक हुई मियां नवाज शरीफ को यह पूछने की कि आप लोगों ने क्यों साथ दिया इनका, नहीं तौफीक हुई आसिफ अली जरदारी को भी, आप पीपल्स पार्टी ने क्यों साथ दिया इनका, बिल पास हुआ किसने कहा इसको वापस लो, इमरान खान। मैं यही आपको फर्क बताना चाहता हूं लीडरशिप के, लीडरशिप इस जगह पे हमारी जो लीडरशिप है, मैं फिर कह रहा हूं यहां जो भी गलत करेगा
उसको फेस करना पड़ेगा। वहां क्या होती थी, लुटो तो फुटो, खुद भी खाओ आप भी खाओ। यहां पे फिर मैं कह रहा हूं आपको, पाकिस्तान का 70 साल में, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, मैं भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहूंगा सिदरा, लीडर ऐसा मिला ही नहीं है। क्योंकि ये कह रही है ना करप्शन करप्शन करप्शन, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही करप्शन है। हमने देखना होता क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। आप लोग लोन लेते हैं या कर्ज लेते हैं तो अपनी जायदादें बनाने के लिए नहीं। आज मियां नवाज शरीफ साहब से तो जेल नहीं काटी गई कि जी मैं तो बड़ा बीमार हूं। वहां जो 90,000 कैदी पड़ा है भाई, आप 30 साल हुक्मरान रहे, एक अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर इलाज करवा सके, और फिर पे कहां पे गए? कह रहे मुझे पीएसी, बात सिर्फ इतनी में थोड़ी सी डिबेट हॉट हो जाएगी, मैं फिर आपको कह रहा हूं लाइट नोट पे, हम तो मसाइल का हल जानना चाहते हैं। मैं यही, मैंने अपनी बहन से सवाल किया तो उसका जवाब नहीं दिया, हमें बुरा भला कह दिया, हमें हमें अब हल की तरफ जाना है। देखें हमें जाहिर अपनी अपनी जमात है, अपनी अपनी सियासत है, अपना अपना मंशूर है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेशनल इश्यूज हैं। इकोनॉमी आपका नेशनल इश्यू है, नेशनल प्लान आपका नेशनल इश्यू है, खारजा पॉलिसी आपका नेशनल इश्यू है। अब मोदी वाला मामला था, पूरी कौम एक जगह पे हुई, यहां पे भी मैं समझता हूं कि इकोनॉमी इस जगह पे चलेगी ऐसी तरह कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे ना। मैं फिर कह रहा हूं, ये मुझे बुरा कहेंगे कि 7 महीने वाले को, कहते 70 महीने वाले को बुरा ना कहें, 7 साल वालों को, 7 महीने वाले को बुरा कहें। कवल साहिबा, शौकत बसरा साहब ने भी बताया और हम सब ने भी देखा कि वैसे ऑपोजिशन कभी भी एक पेज पे नहीं आती, इवन कि ऑपोजिशन भी आपस में एक पेज पे नहीं आती, लेकिन जब तनख्वाहों के बढ़ने की बात हुई, अपना मफाद मेरी आया, बहन की तो वही अवामी नुमाइंदे जो अपने आप को कहलवाते हैं वो सब एक पेज पे थे कि चलो बस ठीक है, अब अपने घर की बात है तो फिर सब अपना सोचेंगे। सिदरा देखें, पहली बात ये कि देखें झूठ की बुनियाद पे आप कोई भी चीज खड़ी करेंगे ना, वो जस्ट अब लोग बहुत समझदार हो गए। एक बात ये, मैं इसे टोटली कंडेम करती हूँ, मैं टोटली कंडेम करती हूँ, और मेरा भाई जो है बड़ा ही काबिले तराम है, मेरे दूसरे प्रोग्राम में हम साथ बैठे हैं, बड़े अच्छे बैठे हैं, लेकिन ये टोटल झूठ है। आज पूरी आवाम सुन लें कि इमरान न्याजी को ये नहीं पता था कि तनख्वाहों का बिल बढ़ रहा है, उनके अपने लोग तो पहले दिन आके चीखो पुकार करने लग गए थे, वो कहते थे जी हम जनाब हम सब कुछ छोड़ के 80,000 रुपए के आते, और उन लोगों का इनिशिएटिव था, उन लोगों ने ही इसे किया, हमने तो वॉकआउट किया था। ऑपोजिशन मुझे आप, खड़ी हुई इसके खिलाफ। मैं आपसे कह रही हूँ कि जनाब आप उस वक्त की प्रोसीडिंग निकाल लें, अगर हाउस में आपको गवर्नमेंट के लोगों के अलावा अपोजिशन बैठी नजर आ जाएगी ना तो मैं जरूर ना जी ना, हमने वॉकआउट किया था। यहाँ पे चैलेंज हो गया, बहन एक मिनट, बहन एक मिनट, बहन एक मिनट, बहन एक मिनट, मौका दीजिए बात करने दे। नहीं मैं आपकी बात में नहीं बोलती, मैं आपकी बहुत सारी बातों में नहीं बोलती जिसमें मुझे बोलना चाहिए, इसलिए कि आदाब महफिल के खिलाफ होता है। मेरी बात सुने, मैं आपको चैलेंज करके कह रही हूँ, आप चेक कर लें उस वक्त की फुटेज, अगर उस वक्त पीएमएलएन की मेजोरिटी वहां मौजूद हुई जी हम जिम्मेदार हैं। लेकिन दो तीन लोग, मेरी बात सुने, अगर दो तीन लोग, उनकी मैं कसम नहीं खाती, लेकिन वो किसी का इंडिविजुअल फेल भी है, और मैं आपको ये बताऊं मेरा भाई भी पार्लियामेंटेरियन इस बात को समझता है कि वो बिल जो था एक प्राइवेट बिल था, अगर उसमें किसी शख्स ने अपनी पर्सनल राय दी तो वो पार्टी की राय नहीं इस सूरत में हुई कि हम साथ ही नहीं खड़े हुए। और मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब ने टोटली टीवी पे आके ये कहा कि जी हम इसे कंडेम करते हैं, गलत तो एक तरफ तो आप रो रहे हैं कि हमारे पास है कुछ नहीं, दूसरी तरफ आपने अभी तक मुझे बताया वुजरा का स्वाब दीदी फंड इन्होंने खत्म किया, मुझे इस बात का जवाब दे दें। एक तरफ याशियों में पड़े हुए हैं, आप देखें वो जी गवर्नर हाउस को हम जनाब तालीमी इदारा बना देंगे, आज गवर्नर साहब वहां बैठे मेकअप करवा के इवेंट कर रहे होते हैं, वो जी वो पीएम हाउस जो था वो भी बनना था बच्चों के लिए, तालीमी अमाजगा बनना था, कहां गया? झूठे लोग हैं, मैं आपको बताऊं सारी बुनियाद ही झूठ पे मबनी है। न्याजी साहब को तब याद आया, इतने नाहली की इंतहा कि उन्हें तब पता नहीं चला जब बिल आ रहा था, उन्हें तब, वैसे तो बुजदार साहब की जुर्रत नहीं कि वो बेचारे न्याजी साहब की इजाजत के बगैर जो है वो उठ बैठ भी सके, और उन्हें ये पता नहीं चला कि बिल पास हो गया। आऊंगी बसरा साहब, इमरान खान का पीटीआई का ये विजन था कि हम इंसाफ लाएंगे, हम गरीब आवाम का सहारा बनेंगे, और इसी विजन के तहत उनको बहुत ज़्यादा वोट भी पड़े, उनके इक्तदार में आए, लेकिन उसके बाद अब जाकर हमें बहुत सारे ऐसे फैसले देखने को मिलते हैं, पहले आवाम को बहुत खुश कर दिया जाता है लेकिन उसके बाद जो है वो वही फैसले वापस लिए जाते हैं, आवाम वही रो रही है। ऐसे मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ मेरी बहन को करेक्ट कर जी
ये जो बिल पास हुआ है ना मुतफिका पास हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं लफ्ज क्या बोल रहा हूँ, मुतफिका पास हुआ। मुतफिका से मुराद क्या होती है कि पूरे हाउस में से एक मेंबर ने भी उससे इख्तलाफ नहीं किया। अब मेरी बहन जो अभी भाषण और लेक्चर मुझे सुना रही थी, ना कि न्याजी साहब को पता नहीं था, ये तो मजाक है ना, ये कम से कम मजाक ना करें। पता भी था तो एक्शन लिया ना गया जी एंड पे जो, और वो भी मैं आपको बताऊं, कानून के तालिब इल्म बैठे हुए 18वीं तरमीम के तहत, क्या प्राइम मिनिस्टर को फिर ये इख्तियार है कि वो किसी सूबे के पास, चाहे वो कोई भी कानून हो, आज मैं इस कानून की बात ही नहीं करती, कोई भी कानून अगर हाउस ने पास किया है तो मुझे कानून के तालिब इल्म होने के नाते कोई बंदा जवाब दे दे कि क्या वज़ीरे आज़म को अख्तियार है कि वो तलब करके कान पकड़वा के कहे, जब बुज़दार साहब के लिए घर बन उसमें डाला गया कि जी वो बेचारा गरीब बंदे के पास, क्योंकि उसके उसे तो इसी चीज की तो गुजारा मतलब आपको दुख हो रहा है कि इमरान साहब ने क्यों ये वापस ले लिया। बिल्कुल नहीं, हम इसे कंडेम करते हैं, मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे आज सब लोगों के सामने कह रही हूँ जी, ये बिल्कुल वापिस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इन लोगों का मजाक है, ये अवाम के साथ मजाक है और अवाम के मुंह पे एक बोझ, जिस तरह ये बम गिरा रहे हैं महंगाई के और उसी दौर में अपनी जेब भरने का इन लोगों, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को वो पार्लिमानी कमेटियों के मेंबर बना दिया, कुछ लोग नाराज हैं, इन्होंने कहा परेशान ना हो, जेब तुम्हारी भर देंगे, फिक्र ना करें, इसलिए ये सब बसरा साहब ये मॉर्निंग शो है, दोनों बहनें रल गई, मैं अब क्या करूं। नहीं नहीं दोनों का रल के मुकमुका हो गया, मेरी बात नहीं सुन रही हैं आप, आपको पूरा वक्त मिलेगा जी। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं, मैं अभी मेरी बहन ने कह रहा कितना देखें, बाद में फोर्स भी हो रहा है उनको कि बढ़िया बढ़ाया काम खराब हो गया। अच्छा बात तो सुन ले, आप दरमियान में ना बोलिए ना प्लीज, आप बोलिए अच्छा बहन देखिए ना, आपने भी बताया ना, आप मौके देने दो, मैं दरमियान में ना बोलिए। अच्छा मैं फिर वही बात कह रहा था कि अगर किसी ने उसको रोका तो इमरान खान ने रोका, और मेरी बहन को आप दुख किस बात का है कि हमारी तनख्वाहें वापस क्यों हुई हैं? गुड जॉब, नहीं जी मुझे कोई दुख नहीं, अब आगे चलते हैं, अब सीधा आगे चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये कोई मुकाबला है हुस्नम, यानी बैठे गया मैंने गोल्ड मेडल उठा के लेके जाना है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हकायक को तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आप इतने अच्छे होते तो आपको आवाम रिजेक्ट ना करती। हल यही है कि हर किसी को अपनी सफों के अंदर ध्यान देना होगा, हमें अपनी सोच पाकिस्तानियत की सोच रखनी पड़ेगी, हमें यह देखना है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। कि मैं फिर कह रहा हूं लफ्ज मेरा इसमें मखल में दरिया कूजे में बंद हो जाता है कि जो 70 साल ठीक नहीं कर सके वो अगर ये तवक्को रखें, वो तवक्को ये रखें कि 7 महीने में वो तमाम बीमारियां, वो एक ना मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, एक जोक लिखा हुआ था कि इमरान खान मुल्क चला नहीं रहा, इमरान खान मुल्क ठीक कर रहा है। वो किस तरह ठीक कर रहा है, हर जगह पे ऊपर से लेके नीचे तक, ये ईमानदारी की मैं दिल से बात बता रहा हूं, मेरी बहन इसको डिनाई कर रहे हैं, दोनों वकील भी हैं। आप कचहरी से शुरू हो जाए, आपका एल मद, आपकी पुलिस, आप नीचे जो ऊपर अदलिया नहीं नीचे वाली अदलिया, लोग कहते हैं जज कर लो वकील ना करो, हर जगह पे तो खराबी है, पूरे का पूरा सिस्टम ओवरहॉल होने वाला है, उसके लिए सिर्फ इमरान खान ही। मैं फिर कह रहा हूं इमरान खान पे आप तनकीद करते रहें जितनी भी, लेकिन कोई आदमी आज 30 साल हो गए सियासत के साथ एक फिक्रा अगर नहीं कोई साबित कर सका तो इमरान खान पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका, लूटमार का नहीं लगा सका, इतनी लेकिन आज आज दोनों पार्टियां फिक्सअप हुई हुई हैं, एंड पे आप क्या कहती हैं, वो जी न्याजी साहब ने ये कह दिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, कमल लियाकत साहब, प्रोग्राम में आप मौजूद रहे। टॉपिक तो ऐसा था कि घंटों इस पे बात की जा सकती थी, लेकिन वक्त की थोड़ी सी किल्लत है। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम और आप तमाम देखने वाले चाहते हैं कि जिस तब्दीली के हमने और आपने मिलकर ख्वाब देखे थे, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में वो तब्दीली जल्द आ जाए। यहाँ वक्त है ब्रेक का। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। फिट रहना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब आप फिट रहते हैं तो फिर आप ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में ना सिर्फ इंजॉय कर पाते हैं बल्कि आप सारा दिन बहुत ज़्यादा हशाश बशाश भी रहते हैं।
फिटनेस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जी मोना अली है, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं मोना। इसके साथ साथ आज जागो लाहौर के सेट पर एक सिंगर भी मौजूद हैं, शेरी खान। शेरी खान प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का करम। अच्छा मोना, फिटनेस है क्या? फिटनेस लाइफ स्टाइल है आपका। लाइफ स्टाइल होना चाहिए, मुझे लगता है हर किसी को अपनी लाइफ में फिटनेस एक प्रायोरिटी रखनी चाहिए। आपकी फिटनेस है तो आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। फिटनेस की वजह से आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। फिटनेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी, एक आपके लिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। अच्छा, फिटनेस से हैप्पीनेस कैसे आती है इंसान में, पॉजिटिविटी कैसे आती है? जब इंसान एक अच्छा वर्कआउट करता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक होते हैं एंडोर्फिन्स जो रिलीज होते हैं। अच्छा, ठीक है। वो जब रिलीज होते हैं तो उस एंडोर्फिन रिलीज से हमें खुशी मिलती है। एक पोस्ट एक्सरसाइज एक फीलिंग होती है, वो फीलिंग आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी से। वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। वो एक इंसान को रियलाइजेशन होती है कि मैंने अपने लिए कुछ किया है और मुझे इसके बेनिफिट्स भी पता है। इंसान को एक्सरसाइज करते हुए और उसके बाद भी नज़र आ रहा होता है कि उसकी लाइफ कितनी पॉजिटिव और कितना और ज़्यादा वो एक्टिव और कितना कुछ ज़्यादा कर पा रहा है अपनी लाइफ में, एज अपोज टू वो इंसान जो एक्सरसाइज में नहीं है, फिटनेस में नहीं है। हम देखते हैं कि उनके कितने हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं। ओबेसिटी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर चीज़ इस तरह की चीज़ बहुत कॉमन है उन लोगों के अंदर जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो करते हैं वो से दूर रहते हैं। ठीक है, बीमारियों से भी बचा, बीमारियों से बचा है। अच्छा मोनाली, ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर सारा दिन बहुत अच्छा गुजारते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं जी, यानी डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज करके जो है, तो आप किस तरह के उनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं, किस तरह से उनका बॉडी वेट देखते हुए उनकी पूरा प्लान तैयार करती हैं, किस तरह से होता है ये सारा कुछ? पहली बात तो ये कि हमारे अंदर एक कंसेप्शन है कि एक आइडियल वेट होना चाहिए। मैं नहीं समझती ऐसा, मुझे लगता है कि हमें अपने आप को इंचेस में मेजर करना चाहिए। ठीक है, वेट तो चेंज होता रहता है। आप सुबह उठें, आपका वेट लेट्स से 55 है, आप एक पानी का ग्लास पी लेते हैं, वो 0.5 बढ़ जाता है। तो साइकोलॉजिकली ना वो एक जो वेइंग स्केल है ना वो आपको बहुत मेसअप कर देता है कि यार अच्छा अभी कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंचेस में मेजर करना चाहिए। और मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि पहले तो मैं उनके डेफिनेटली बॉडी मेजरमेंट्स लूँगी, वेट करना पड़ता है चेक, वो करूँगी, और फिर उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से कि उनकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, क्या वो करते हैं, जॉब नहीं करते, घर में कितना टाइम उनका एक्टिव रहता है, लेवल ऑफ एक्टिविटी उनकी क्या है, डाइट क्या है, उस हिसाब से मैं उनको उनकी लाइफस्टाइल को देखते हुए उनकी उनको कैटर। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो घर में बहुत सारा काम करती हैं सारा दिन जी, लेकिन जी। उसके बावजूद वो कहती हैं बहुत ज़्यादा फटीग हो गई है, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं जी जी, वो क्या सीन होता है? पहली बात तो एक वही रूटीन फॉलो कर करके इंसान तंग आ जाता है। हमारी जहाँ पे जो हाउसवाइफ्स हैं उन बेचारों की सुबह बच्चों के साथ होती है, हस्बैंड के साथ होती है, जब वो घर में नहीं भी होते तब भी उन्हीं की तैयारियों में लगी होती हैं, खाना, घर के काम, ये वो। तो पहली बात तो एक एग्जॉशन, बंदा थक जाता है सेम रूटीन फॉलो कर करके। और दूसरा ये कि हमारी घर में खवातीन अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। जो हस्बैंड बच्चों ने खाना है, जो उनका बचा हुआ खाना है, जो भी है वो खा लेती हैं, ठीक है। और कोई ऐसे सच इतनी वो अवेयरनेस नहीं है उनको, या कोई नॉलेज नहीं है कि डाइट को मैनेज कैसे करना है, जिसकी वजह से वो फटीग का शिकार हो जाती हैं। अच्छा, एज अ इंस्ट्रक्टर आप डाइट प्लान भी देते हो और साथ में फिटनेस प्लान भी देते हो? जी, मैं फिटनेस प्लान भी देती हूँ। मैं इनफैक्ट काम करती हूँ एक जगह पे, मैं क्लासेस करवाती हूँ, ग्रुप फिटनेस क्लासेस करवाती हूँ। मेरे पास हर तरह की खवातीन आती हैं, हर वेट में, हर एज की, और बड़ी खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट उन्होंने अब डिसीजन ले लिया। कहते हैं ना इट्स बेटर लेट देन नेवर, एटलीस्ट उन्होंने डिसीजन लिया, आती है मेरे पास, तो मैं पहले पूछती हूँ उनसे, डाइट प्लान भी देती हूँ, मगर मेरा जो पर्सनली जो मेरा ज़्यादा काम है वो फिटनेस की तरफ है, तो मैं उनको वर्कआउट प्लान देती हूँ। ठीक है, तो आज आप कौन सा वर्कआउट हमें बताने वाली हैं और हमारे नासरीन को बताने वाली हैं, और वो किस तरह से इफ़ेक्ट होगा हमारी लाइफ पर? मैं कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं, घर बैठी जो खवातीन हमें देख रही हैं जो जिम नहीं जा सकती, मैं जब भी किसी मॉर्निंग शो पे गई हूँ मेरा यही हुआ है कि मैं उन्हीं लोगों को कैटर करूँ। तो मैं एक सिंपल पहले एक्सरसाइज आपको बताऊँगी, यहाँ पे मैं आऊँगी, एक सिंपल एक्सरसाइज है उसको हम बोलते हैं प्लैंक। तो प्लैंक ये होता है कि आपने आपकी बेली होगी फ्लोर की तरफ, आपने इस तरह, इसका सबसे इजी वेरिएशन मैं आपको बताती हूँ, वो खवातीन जो थोड़ी सी ओवरवेट हैं या उन्होंने कभी जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो वो स्टार्ट इससे कर सकती हैं कि एल्बोज पे आपने आ जाना है, ठीक है,
हिप्स को थोड़ा सा आगे लाना है, पेट अंदर खींचना है. बिल्कुल, पेट अंदर खींचने का रीजन ये है कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए कि आपकी लोअर बैक पे प्रेशर ना पड़े. जब आप पेट अंदर खींचते हैं तो आपकी लोअर बैक को सपोर्ट मिलती है. तो उसके बाद क्या करना है, आपने बॉडी वेट सारा अपने शोल्डर्स में ला के हिप्स को टाइट रख के आपने इस तरह रहना है 30 सेकेंड्स के लिए. अगर आपको लगता है आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आपने घुटने उठा देने, हील्स को आगे लाने और इस तरह एक प्लैंक में आपने रहना है. आप देखेंगे कि 10 सेकेंड्स के बाद अगर आपने कभी भी ये नहीं किया तो आपकी बॉडी थोड़ी सी कांपना शुरू हो जाएगी. क्या होता है, उसके बाद आप 2-3 सेकेंड्स ब्रेक ले लें, फिर वापस. इसका स्टैमिना आप ओवर टाइम बिल्ड करेंगे. ये एक एक्सरसाइज है जो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डेली करें. एटलीस्ट 10 सेकेंड्स से स्टार्ट करें, फिर 20 पे ले जाएं, फिर 30 पे ले जाएं, 1 मिनट तक आप इसको लेके जाएंगे. फुल बॉडी एक्सरसाइज है, आपकी बैक, आपका पेट, सारा कुछ इससे ना सिर्फ कम होता है बट जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है अंदर वो आप बहुत मजबूत होते हैं. दूसरी एक सिंपल बहुत बेसिक एक्सरसाइज, स्क्वाट. ठीक है, ये हमने बहुत दफ़ा देखा होगा मगर सरप्राइजिंगली बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक प्रॉपर स्क्वाट की टेक्निक नहीं पता, पता नहीं होता कि वेट इसका कहाँ पे आता है, क्या होता है. तो स्क्वाट लोअर बॉडी की एक्सरसाइज है. हमारी ख्वातीन जो यहाँ पे हैं उनके लोअर बॉडी का इशू बहुत होता है. नॉर्मली साइज थोड़ा सा हम आउट ऑफ शेप जब जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे वो नज़र आता है. तो आपने क्या करना है, अगेन सबसे पहले अपना आपने पेट अंदर खींचना है. ठीक है, मैं साइड वाइज टर्न करूँगी. शोल्डर्स को ऐसे आपने पीछे मोड़ना है, चेस्ट को आपने बाहर निकालना है और ये होते हैं यहाँ पीछे आपके शोल्डर ब्लेड्स, उसको आपने स्क्वीज करना है ऐसे जैसे आप कोई पेंसिल बीच में दबा रहे हैं. ठीक है, स्क्वीज करके उसके बाद अगेन पेट अंदर खींच के बम आपने नीज को लॉक करना है, बम पीछे लेके जानी है, नीचे आना है और उसके बाद ऊपर आते हुए हिप्स को आपने टाइट करना है. अच्छा, हर कोई इतना लो नहीं जा सकता स्क्वाट के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी पहले रेंज फाइंड करनी है. पहली चीज़ें, दो चीज़ें, घुटने आपके आपके जो पाँव का बड़ा अंगूठा है उससे आगे नहीं जाने चाहिए. दूसरी चीज़ कि आपकी जो हिप्स हैं वो पीछे फ्लोर से पैरेलल होने चाहिए, यानी बिल्कुल उसके ऊपर होने चाहिए. और दूसरा, आपका वेट हील्स में आना चाहिए. अगर आप एक प्रॉपर स्क्वाट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने टोज को उठा पा रहे हैं. ठीक है, बैक में बिल्कुल भी आँच नहीं आना चाहिए. इसकी आपने एटलीस्ट 30 सेकेंड्स रेपिटेशन करनी है, या अगर आपने रेप्स पे इसको लाना है तो एटलीस्ट 30 स्क्वाट्स रोज आप करें, प्लैंक करें, उसके बाद उठ के स्क्वाट करें. ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज है लंज. ये थोड़ी सी और जो एडवांस्ड एक्सरसाइज है उसके लिए, मगर अगेन मेरा टारगेट आज लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस का, तो मैं आपको बताती हूँ. एक पाँव आपने आगे इस तरह लेके जाना है, दूसरा पाँव आपने पीछे लेके जाना है, उसकी हील को आपने उठा लेना है. उसके बाद किसी डायरेक्शन को जब आपने फेस करना है आपने बिल्कुल उसको सामने देखना है, आपने इधर उधर नहीं देखना. हिप्स भी आपके उस डायरेक्शन में होंगे, शोल्डर्स को फिर पीछे लेके जाना है, पेट को अंदर. उसके बाद लंज में हम पीछे वाली जो टांग है उसको वर्क कर रहे होते हैं. पीछे वाली टांग को आपने ऐसे नीचे लेके जाना है, बैक लेग में और फ्रंट लेग में एक जो 90 डिग्री राइट एंगल जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं. ठीक है, एंगल्स एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपने करना है. फ्रंट लेग 90, बैक लेग 90. ठीक है, पेट अंदर, उसके बाद आपने ऐसे ऊपर आ जाना है, जितना नीचे आप जा सकते हैं इजीली. सबसे बेस्ट रेंज इसकी ये होती है, घुटना आपका फ्लोर तक, उसके बाद यहाँ तक. इससे क्या होगा, आपकी टांग की जो ये साइड है इसको हम कहते हैं क्वाड मसल. सबसे बड़ा मसल होता है आपकी टांग, आपके पूरी बॉडी में क्वाड और हैमस्ट्रिंग, ये और फ्रंट टांग की हैमस्ट्रिंग इससे होती है. इसको आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी टांग पे भी स्विच कर लें, आप दोनों कर सकते हैं एक एक करके, या एक टांग पे, या अगर आपने थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपनी तो इसको आप 10-10 सेकेंड के लिए एक साइड पे आप इसको होल्ड कर सकते हैं. 3 एक्सरसाइजेज हैं ये, आप ट्राई करें. ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं अपनी फिटनेस में एंटर होने के लिए, ये आप करेंगे. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगी, मैं और ऑप्शंस आपके साथ शेयर करूँगी. इसको ट्राई करें और फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा. थैंक यू. ठीक है, मौना अली ने एक्सरसाइजेज बता दी हैं और एक्सरसाइजेज आपने करनी भी है, उसके साथ साथ तरीका भी आपको बताया है कि किस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है. शहरी खान, कब आगाज किया आपने सिंगिंग का? मुझे कुछ अभी 4-5 साल हुए प्रोफेशनली स्टार्ट किए हुए म्यूजिक. ठीक है, तो आज हमें क्या सुनाने वाले हैं आप लाइव? लाइव एक मैं बड़ा खूबसूरत गाना है नुसरत जी का. ठीक है, वो सुना तो आपको आपको पसंद आएगा. सरे गरे धसा सरे गा पा दसा दस दा पागर सदा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जी कर वेखदा रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया किन्ना सोना तेनू
رب نے بنایا جی کر ویخدار دل مڑدا نی لکھ سمجھایا دل مڑدا نی لکھ سمجھایا جی کر ویخدار کنا سونا تینوں رب نے بنایا پیار تیرا اے زندگی میری کرنی ہے میں پوجا تیری پیار تیرا اے زندگی میری کرنی ہے میں پوجا تیری تینوں دل والے شیشے چ سجایا تینوں دل والے شیشے چ سجایا جی کر ویخدار دل مڑدا نی لکھ سمجھایا دل مڑدا نی لکھ سمجھایا جی کر ویخدار کنا سونا تینوں رب نے بنایا. کیا بات ہے شیری خان, بہت مشکل ٹریک آپ نے سنا, کیونکہ استاد نصرت فتح علی خان کو کاپی کرنا بہت مشکل کام ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ خود ہی سنگر بن جاتے ہیں, ان کو کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, فٹنس ایکسپرٹ مونا علی ہمارے ساتھ موجود ہے. مونا, آپ نے ہمیں ایکسرسائزز بتائی ہیں کچھ, ناظرین یہ بھی جاننا ضرور چاہیں گے کہ یہ ایکسرسائزز جو خواتین ہیں وہ کسی بھی وقت میں کر سکتی ہیں یا پھر ایک اسپیسیفک وقت ہو کہ اسی وقت پہ روز کرنی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایکسرسائز کے لیے کسی بھی چیز کی طرح ایک ڈسپلن بنانا, ایک ڈسپلن ہونا ضروری ہے. اگر ایک ٹائم آپ پک کر لیں, اب خواتین ہوتی ہیں گھر میں, کوئی ایک ٹائم ہوتا ہے جب بچے جاتے ہیں, ہسبینڈ آفس میں ہوتے ہیں, تو آئی ایم شیور کہ 15-20 منٹس ان کے پاس ہوتے ہیں جو وہ اپنے اوپر اسپینڈ کر سکتی ہیں. ہماری خواتین انفارچونیٹلی سونا پسند کرتی ہیں اس کے اندر, مگر بہتر یہ ہوگا کہ ان 15 منٹس میں ایوری ڈے 5 days a week وہ یہ کریں. اس کے لیے بس یہی آپ کو ٹائم چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, ڈسپلن مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہے. شیری خان, آپ کا ٹریک ہے چھٹ گیا میں نے, جی جی, تو میں چاہوں گی وہ سنائیے ذرا. ایک شاعری, کیوں نہیں کیوں نہیں, ضرور.
क्या बात है शरीफन, वैसे आजकल जितने भी नौजवान हैं वो चाहते हैं कि पॉप म्यूजिक की तरफ ज्यादा जाया जाता है, उनका इंटरेस्ट होता है। आप स्लो म्यूजिक भी करते हैं? मैं स्लो म्यूजिक इसलिए करता हूँ बिकॉज मेरा खुद की फील ऐसी है कि मुझे खुद बड़ा मेलोडियस और स्लो म्यूजिक ज्यादा पसंद है। बिकॉज जो स्लो म्यूजिक और जो सैड म्यूजिक फॉरएवर होता है, जो फास्ट और पॉप म्यूजिक है वो कुछ हफ्ते के लिए आता है, कुछ वक्त के लिए अच्छा लगता है, नहीं लगता, लेकिन जो मेलोडियस ट्रैक होते हैं वो हमेशा दिल को अच्छे लगते हैं। ठीक है मोना, आपने बताया कि एक्सरसाइज के लिए एक वक्त निकालें, बेस्ट टाइम कौन सा है? सुबह के वक्त में करें, रात को सोते हुए करें, बेस्ट टाइम कौन सा है एक्सरसाइज के लिए? मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैंने अभी मेंशन किया है कि जो टाइम आपको मिले बस उसको एक फॉलो करें, मगर अगर हम बेस्ट टाइम की बात करें तो वो मॉर्निंग में होता है, और नॉर्मली मॉर्निंग में लोगों के पास टाइम भी होता है। अगर ऑफिस जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज बाय द वे सिर्फ लेडीज के लिए नहीं, जेंट्स भी कर सकते हैं जिन्होंने कभी फिटनेस नहीं में एंटर किया, तो वो कर सकते हैं। बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से मॉर्निंग में होता है, मगर जब भी आपकी एनर्जी आपको अलाउ करे। अच्छा, मॉर्निंग टाइम बेस्ट है, एक्सरसाइजेज होगी। एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का किस तरह एक नॉर्मल अंदाज में ख्याल रख सकते हैं? सिर्फ एक चीज मैं कहूंगी, नाश्ता बड़ा, लंच के टाइम पे मीडियम खाना और रात के टाइम पे थोड़ा खाना, बस मैं ये कहूंगी। और आपकी डाइट, आपकी प्लेट जो है ना, एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होनी चाहिए, उसके अंदर गुड फैट्स, गुड कार्ब्स, प्रोटीन और फाइबर मौजूद होने चाहिए। ये चीज़ें हमारे खाने में मौजूद होती हैं। मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगी ऑडियंस को कि देखें क्या खा रहे हैं, रिसर्च करें, अपनी बॉडी के बारे में केयर करें, और अंधाधुंध ना खाएं, अंधाधुंध ना खाएं, समझ के खाएं। बिल्कुल, खास तौर पे लाहौर में तो ये प्रॉब्लम है, लोग खाने के लिए जीते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हमारी कंट्री जो है वो ओबेसिटी में भी टॉप रैंक्स में ही जा रही है। अच्छा मोना, कितनी देर के बाद एक्सरसाइज के हम खाना खा सकते हैं या कोई भी मील ले सकते हैं? मैं कहूँगी अगर हेल्दी मील आपने लेना है, कोई प्रोटीन से भरा हुआ है या कुछ, तो फौरन, डिपेंड करता है आप क्या, अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो एक घंटे के अंदर अंदर खाना बेहतर होता है, और अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आप दो घंटे के गैप यानी दो घंटे के अंदर अंदर भी, मगर एक्सरसाइज के फौरन बाद कुछ खा लेना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज के और एक्सरसाइज से एटलीस्ट ढाई तीन घंटे पहले आपको खा लेना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग मोना ऐसे होते हैं, उनको मैंने देखा है खूब एक्सरसाइजेस करते हैं, पसीने से शराबूर हो रहे होते हैं, लेकिन उसके फौरन बाद जो है वो डिब्बे के जूस पी रहे होते हैं, फुल मीठा और फुल जो है वो, असल में उनका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है। कुछ लोगों का जिस्म कांपना शुरू हो जाता है एक्सरसाइज के बाद, तो वो उनको कुछ चाहिए होता है मीठा जिससे उनका शुगर लेवल दोबारा बैलेंस हो। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि प्लीज आपकी बॉडी अमानत है आपकी, प्लीज उसका ख्याल रखें, और प्लीज देखें कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, बिकॉज आप जो भी अभी खाएंगे वो नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स के लिए आपकी बॉडी में रहेगा, वो आपकी आने वाली जनरेशन को भी इफेक्ट करेगा। तो प्लीज सोच के खाएं, अपने लिए भी, आगे जनरेशन के लिए भी, और मैं ये कहूंगी कि खुश रहें। ठीक है मोना खान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अंधाधुंध बिल्कुल ना खाओ लाहौरियो, खाओ लेकिन अच्छा खाओ, थोड़ा सा कम खाओ, हाथ खींच लो, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए और लंबी उम्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन हमने जाते जाते शेरी खान से एक ट्रैक भी जरूर सुनना है। मुझे इजाजत दें कि आप इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पे मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, याद है ना मुझे अपनी दुआओं में, नेक हवालों में जरूर याद रखिएगा, अल्लाह के बाद। जी शेरी, तेरा खोया कहा चेहरा तेरा, तुझको पुकारे प्यार मेरा, कहा हो तुम ओ मेरे सनम, बिन तेरे लागे नाम ये मेरा जिया, साहिब तेरी बंदिया, साहिब तेरी बंदिया, चंगिया।
साथ मेरे और तेरा नाम है, तुझसे ही महका हर दिन है मेरा, तुझसे मेरी शाम है। जुदा नहीं तू एक पल कहीं, तुझको जाना है माना है जिंदगी, साहिब तेरी बंदियां, साहिब तेरी।